C118 का कॉन्टेक्टर जैसे ही इस MTTC की ब्रांच पर लगता है, तब क्या होता है, ये जो सप्लाई है बैटरी सप्लाई, यहाँ से आगे जितनी भी टारगेट वाली जो रिले है इनके NC इंटरलॉक के द्वारा ये सप्लाई आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और C118 की जो NO इंटरलॉक के द्वारा यहाँ से सप्लाई आगे जाती है, और MTTC की जो कॉइल है वो आपकी क्या हो जाती है, एनर्जाइज हो जाती है। इस MTTC कॉइल के एनर्जाइज होने पर जो आपका VCB है उसमें क्या होता है, ये जो वाल्व है ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है, और जो एयर की सप्लाई है वो आगे जानी स्टार्ट हो जाती है। एयर सप्लाई आगे जाने के स्टार्ट होने के बाद ये जो मूवेबल, ये आगे आपकी जो पिस्टन है मूव करेंगे, और जो मूवेबल जा है वो फिक्स जा को क्या करेंगे, टच करेंगे, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। और जैसे ही आपका ये DJ बंद होता है, इस DJ के बंद होने के साथ ही जो आपका LS DJ जो लैंप है वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। कैसे बुझता है, आप देख सकते हो DJ क्लोज होने के बाद जो इसका इंटरलॉक है, DJ JNC इंटरलॉक है, वो यहाँ से ओपन हो जाता है, और QB60 जो है आपकी जो रिले है वो क्या हो जाती है, डी एनर्जाइज हो जाती है। इस रिले के डी एनर्जाइज होने से ये जो इंटरलॉक है इसका NO इंटरलॉक है, ये जो क्लोज था यहाँ से फिर ओपन हो जाता है, और ये LSDG जो आपका लैंप है बुझ जाता है। और दूसरा इसका जो इंटरलॉक है वो आपका MTTC की ब्रांच पर, ये इसका इंटरलॉक यहाँ पर क्लोज हो जाता है, और जो आपकी MTTC जो कॉयल है वो C118 और DJ के द्वारा, इसके इंटरलॉक के द्वारा आपका एनर्जाइज बनी रहती है। तो जैसे ही आपका DJ क्लोज हो जाता है तो जो सप्लाई होती है, DJ का काम ही होता क्या है, OHE सप्लाई को मेन ट्रांसफर तक, फॉर्मर तक पहुंचाना। तो जो सप्लाई है रूबार से होते हुए, जो OHE सप्लाई है यहाँ से होते हुए जो आपकी है मेन ट्रांसफार्मर में जाना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही मेन ट्रांसफार्मर में जो सप्लाई आती है आपकी, जैसे TFWR, इसमें सप्लाई आने के बाद जो सप्लाई इंडक्शन के द्वारा आ जाती है आपके ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर में, TFWA में जो सप्लाई आगे आ जाती है, TFWA के आउटपुट में यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लगी हुई है Q30 रिले लगी हुई है, ये क्लोज था आपका पहले से। इसमें सप्लाई आने के बाद जो Q30 रिले है आपकी एनर्जाइज हो जाती है। Q30 एनर्जाइज होने के बाद जो इसका एक इंटरलॉक लगा हुआ है Q44 की ब्रांच पर, वो क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। इसके क्लोज हो जाने के बाद जो आपकी Q44 है वो Q30 और Q45 के UGR क्लोज के इंटरलॉक के द्वारा एनर्जाइज बनी रहती है। TFWA से जब जैसी सप्लाई जाती है, C118 पे क्लोज था और अर्नो को स्टार्टिंग फेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। अर्नो को सिंगल फेस जो 415 वोल्ट यहाँ से मिलती है, तो अर्नो का काम क्या होता है, सिंगल फेस AC को 3 फेस AC में कन्वर्ट करना। तो जैसे ही इस कन्वर्ट करना स्टार्ट करता है तो अर्नो जैसे 155 से 160 वोल्ट के बीच में जो वोल्टेज बननी स्टार्ट होती है, तो QCVR AC की जो कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाती है। इस कॉइल के एनर्जाइज होने पर जो इसका NO इंटरलॉक है वो QCVR DC के ब्रांच पर लग जाता है, जिससे कि QCVR DC जो रिले है आपकी एनर्जाइज हो जाती है। QCVR DC के एनर्जाइज होने पर इसका जो एक इंटरलॉक है C118 की ब्रांच पर, वो यहाँ से जो पहले क्लोज था वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो QCVR DC का ये इंटरलॉक यहाँ पर एक ओपन हो गया, और इसका एक और इंटरलॉक होता है जो कि LSCHBA की ब्रांच पर होता है, वो भी क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। लेकिन आपका LSCHBA लैंप अभी बुझता नहीं है, क्योंकि वो QB61 के द्वारा एनर्जाइज बना हुआ है। तो QCVR DC का जो इंटरलॉक है यहाँ से हटने के बाद, जो C118 है वो आपकी जो रिले है वो क्या हो जाती है, जो कॉइल है वो क्या हो जाती है, आपकी डी एनर्जाइज हो जाती है। इसके डी एनर्जाइज होने पर जो इसके इंटरलॉक है
वो क्या हो जाता है, यहाँ से हट जाता है, लेकिन जो आपकी एम्प्टी टीजी है वो आपकी एनर्जाइज बनी रहती है। और C11 का इंटरलॉक जो पहले यहाँ पर ओपन हो गया था वो क्या हो जाता है, फिर क्लोज हो जाता है और आगे सप्लाई जाती है लेकिन यहाँ तक जाती है। अब जब अर्नो अब सिंगल फेज से एसी, थ्री फेज से एसी बनाता है, ठीक है, 155 से 160 वोल्ट बन गई थी जब, तो जैसे ही वोल्टेज 415 वोल्ट बननी स्टार्ट हो जाती है, तब जो आपकी जो बाकी ऑक्सिलरी है, जो फाइव ऑक्सिलरी है, स्टार्ट हो जाती है। फाइव BMT1, सॉरी SL1, SL2, QPH, ये क्या होती है आपकी, और जो QSN, VS1, VS2, VSN1, VSA1, VSA2, ये आपकी क्या हो जाती है, ब्लोस ऑक्सिलरी जो है काम करना स्टार्ट कर देती है। इन ऑक्सिलरी के स्टार्ट होने पर जो इसके इंटरलॉक है, एनो इंटरलॉक है, वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और आपकी जो Q44 है इस माध्यम से भी क्या है, एनर्जाइज बनी रहती है। और जो और फाइव ऑक्सिलरी की जो इंटरलॉक है वो यहाँ पर भी क्लोज हो जाते हैं। तो अब आपकी जो Q118 है वो यहाँ से एनर्जाइज हो जाती है। फाइव ऑक्सिलरी के काम करने के बाद एक जो आपका चार्जर है वो भी काम करना स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हो कि बैटरी चार्जर सर्किट में यहाँ पर एक QV61 का जो है कॉइल लगी है, जो रिले लगी हुई है, इसकी कॉइल है। जैसे ही चार्जर को 380 वोल्ट आर्नो से मिनी स्टार्ट हो जाती है, तो QV61 एनर्जाइज हो जाती है। इसके एनर्जाइज होने पर जो लैंप, जो LSCHBA की ब्रांच पर एक QV61 का इंटरलॉक हुआ है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब दोनों जगह ओपन है तो सप्लाई मिलनी कट हो गई, तो LSCHBA जो लैंप है आपका बुझ जाता है। और इस लैंप के बुझने के साथ ही हम क्या कर देते हैं, BLRDJ को छोड़ देते हैं। जैसे ही हम BLRDJ को यहाँ से छोड़ देते हैं, ओपन हो जाता है यहाँ से, तो Q45 जो आपकी वो क्या हो जाती है, डी एनर्जाइज। इस रिले के डी एनर्जाइज होने पर जो इसका इंटरलॉक है इस ब्रांच से हट जाता है, C118 की ब्रांच से हट जाता है, और जो दूसरा इसका इंटरलॉक है वो Q45 की ब्रांच से हट जाता है, लेकिन जो आपकी Q44 है वो एनर्जाइज बनी रहती है बाय Q30 GR0 के क्लोज के इंटरलॉक के द्वारा, Q118 और इसके इंटरलॉक के द्वारा एनर्जाइज बनी रहती है। और आपकी जो है MTDJ ब्रांच, अब आपका जो LOCO है एनर्जाइज हो गया है। तो लोगो एनर्जाइज होने पर आपकी MTDJ ब्रांच एनर्जाइज बनी रहती है, Q44 एनर्जाइज बनी रहती है, और Q118 आपकी एनर्जाइज बनी रहती है। इसके बाद हम क्या करते हैं, BLCP को ऑन करते हैं, कंप्रेसर को ऑन कर देते हैं। तो उसके बाद हम BLVMT को ऑन कर देते हैं। BLVMT के ऑन करने के बाद आपके जो है